गतिविधि आपकी? देखिए अभी मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी डी एम से भी जुड़ा हूँ जी, और हमारे यहाँ जो अपना जो फिलीपींस में जो रेडियो स्टेशन है जी, मैं वहाँ के लिए भी एज ए प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम आपको खुशी होगी कि हम हिंदी प्रोग्राम यहाँ से बन के फिलीपींस जाता है, फिलीपींस से ऑल ओवर एशियन कंट्रीज में उसका प्रसार होता है। वी आर प्राउड ऑफ अवर इंदौर। बिल्कुल, कि साहब हमारे शहर से जो है प्रोग्राम वहाँ जाता है, तो उसका प्रसारण फिलीपींस में होता है जी। हाँ, उसका फिलीपींस से होता है, मनीला से जी। अच्छा अच्छा, मनीला से होता है, लेकिन उसका प्रोग्राम से इंदौर में यहाँ बनते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं। अच्छा, नाटक है, महिलाओं पे प्रोग्राम है, बच्चों पे प्रोग्राम है, और कई और सोशल अवेयरनेस पे कई प्रोग्राम हैं। और उस रेडियो स्टेशन की खासियत है वहाँ विज्ञापन नहीं होते, सिर्फ वो दुनिया भर से एड से चलता है, वहाँ विज्ञापन नहीं होते, तो बड़े ही सूदिंग और मेरा मतलब है बहुत ही साफ सुथरे और अच्छे प्रोग्राम। ghamasan.com में अभी आपने देखा कि जाने माने आर्टिस्ट और बॉलीवुड से जुड़े कई फिल्मों में काम कर चुके संतोष जोशी जी ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद संतोष जोशी जी, और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।